असी अज चीफ खालसा दवान लुधियाने च आए हैं डुगरी च ते समागम ते मैं की कहांगा बिकॉज अपने स्कूल है मैं चीफ खालसा दवान का प्रधान भी हाँ सो इस करके अपने परिवार च आया मैं अज और भैन जी मानू के भी नाल आए ने बड़ा चंगा लगा उन्होंने मिल के इतने सवेरे साड़ी गल हुई सी तो कहते मैं भी आ रही हाँ सो बड़ा चंगा लगता सब अपने कलीग्स मिल के सबन मिल के मंजूरी तो इस तरह कि विधानसभा सैशन तो होने चाहिए बंद अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सके सरकार भी अपनी गल कर सके जो ऑपोजिशन वाले भी अपनी गल कर सकन क्योंकि डेमोक्रेसी डिस्कशन तो बहुत लाजमी है बहुत इंपॉर्टेंट है इस रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और हर एक अपने दायरे जाना चाहिए जेडे एम एल ए साहबान ने मिनिस्टर वो अपने दायरे रहन जो गवर्नर साहबान ने प्रेजिडेंट साहबान ने अपने दायरे रहन ताकि एक दूजे के पैरों से पैर ना रखा जाए तो ही डेमोक्रेसी वधेगी फुलेगी तरक्की करेगी सो बहुत चंगा होया बहुत चंगा किया गवर्नर साहब ने कि मंजूरी देती उन्होंने दिल वड्डे रखने चाहिए कामों च और सोलह सैशन होएगा साडा सर इस अलावा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम से रखने की जी प्रधानमंत्री ने मन की बात के ऐलान कर दिता लंबे समय तो मंग सी जिहड़े साडे पुराने आइकन ने जिस तरह शहीद भगत सिंह होरी ने यह तो यहो जे इंसान ने यहो जे साडे एक क्रांतिकारी वीर ने जिन्हों का असी देन नहीं कदे दे सकते और इन्हां बारे कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं कोई इन्हां नूं माड़ा नहीं कहिंदा सब चंगा कहिंदे इन्हां नूं इन्हां बारे कोई गलत गल नहीं करता और एयरपोर्ट का नाम रखिया सानूं बड़ी खुशी है इस गल की साडी बहुत देर की मंग सी और चंगा होया सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी मान ली इस गल बहुत चंगा हाँ जी बिल्कुल जी किसान किसानी नाल खड़े हैं हमेशा ही साड़ी पार्टी भगवंत मान जी की पार्टी किसानी ने हमेशा ही खड़ी है और जो भी नुकसान होया अं गुजारियां करा के असैस करा फिर देखा कि बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं फसलों की गल ही करने उस की गुजारी करावे ना ना करवा की माड़ी गल सी क्योंकि डेमोक्रेसी में जो असी आप ही जो एम एल ए बने जो लोगों ने इलैक्ट करके सूँ भेजे जो असी कहे असी सैशन नहीं करवा फिर सैशन का फायदा की रखन का फिर इलैक्ट होने का फायदा की है कितने अपनी गल रखनी है असी टी वी अगर थोड़ी गल रखा जो डिस्कशन करा विधानसभा जाए करा ना सो इस करके गलत गल सी उन्होंने दूजी ऑपोजिशन पार्टियां कर दिया होंगे ने पर एकी थोड़ा ज़्यादा कर गए है मैम पिछले लंबे समय तो मांग सी तुसी भी पुरानी सरकार के समय जोर शोर के नाल मुद्दा उठाते आए हो कि शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा जाए शहीद आजम शहीद भगत सिंह कौम के वारस उस समुचे भारत को आजादी दवाने के लिए उन्होंने एक चंगी आजादी की जंग लड़ी तो पूरे भारतीयों एकजुट किया ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਫਟ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ